नीदरलैंड सुरीनाम सारी संसार अस्सलाम अलैकुम सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाख मार्ट है, सोमवार है, मार्च के 8 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सुरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सुरीनाम शोल सदनी हाफन पर एक कंटेनर रखा हुआ था परदेश भेजने के खातिर, तो दुआनर शहर से शुक्रवार के उसी के अंदर में कंट्रोल किया तो एक पार्टी केचप में फ्लू बार को कहीं न रखा हुआ था। एक जना गिरफ्तार हो गया है। फरदाख्त आहाद ना फोन्स फ्लू बारो को कहीं इन केचप इन एन कंटेनर अपशोल सदनी हाफन डिस्ट्रिक्ट पारा के इलाका हानोवर में दिस होल कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया गया है। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी कल यहाँ इतवार मार्च के 7 तारीख को हेडवोन एंड लेव्स होल कॉम्प्लेक्स का पहला पत्थर रखा है। मिनिस्ट्री फॉर फिनेंशियल एंड प्लानिंग 2 मिलियन US डॉलर अलहदा रख चुका है और बाकी पैसा फिनेंशियर करेगा द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। प्रेसिडेंट ने बोले कि ओली और खास उत्विकलिंग के खातिर जरूरी है कि कुछ आलिम लोगों रहें, जैसे अब ये लड़कन जब तालीम हासिल करेंगे तो बस यही लोगों ने ओली और खास उत्विकलिंग के खातिर काम करेंगे। एयर सस्टेन लेफ्ट फॉर बाओ बोन एंड लेस होल कॉम्प्लेक्स पारा। आज मार्च के 8 तारीख को दोपहर इंदनासिस नेख दिन अख्तन सुफन तकसन 78 से इंटरनेशनल फ्रावन दाख कायम किया है। इस बरस के तेमा है फ्रावन इन लेदर्स खाप, यानी आज सारी संसार के औरतन ए लड़कियन के अंदर हौसला बढ़ाया गया है कि बहुत औरतन तो लेदर्स खाप ले चुके हैं लेकिन अभी और औरतन के जरूरी है मर्दाना के काम संभालने के खातिर। पार्लियामेंटारियर टेफन फोर्स यतर फ्रॉम द बॉन्ड फॉर लेयर आरन एंड द अलियांसी फॉर लेयर क्राफ्ट इन सुरीनाम रेशमा मंगरे सेख दत बलंगरेकिस दत फ्रावन ओपन फॉर लेडख एंड एफेक्टिव मनीर बत्रोक वर्दन बाय बसलेट फॉर्मिंग्स प्रोसेसन। डिस्ट्रिक्ट सारामाका के वयाम्बो वेख पर एक औरत ऑटो चलाते जा रही थी, एक बॉक पे ऑटो को न संभाल सका, वो तो रास्ता के बगल में कलैया खाते उलट गया। औरत जो ये ऑटो को चला रही थी उनका मौत हो गई है, जिसने उनका बगल में बैठा हुआ था बहुत चोटा गया, एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल में पहुंचा दिए हैं। ऑटोमोबाइलिस्ट डोट ना इन सैद फरकेर्स ओफाव इन सरमा का। एक आदमी जिनको रैब वेस नहीं है वो अपना ऑटो बहुत तेज चलाते न्यू वेर फॉन द वेख और मोनिटर वेख के क्रॉसिंग के एयरपेन में पहुंचा। ऑटो के पहिया रास्ते के किनारे जो त्रतवार बांध है उसमें घिसरा गया, ऑटो के ना संभाल सका, वो तो चार मर्दाना को कुचला, वहाँ से एनर्जी बद्रैव सुरीनाम के इलेक्ट्रिसिटी पाल को तोड़ा, वहाँ से एक घर के स्कूटिंग को तोड़ा। तो खबर है चार मर्दाना जो कुचला गए थे, तीन मर्दाना के तो उसी दर पर मौत हो गया और एक जना को अस्पताल पहुंचा दिए हैं। द्री दोधन नादत ऑटोबस्टूडर जोंदर रेबवेस इन रेट ऑफ फिर मानन। डिस्ट्रिक्ट कमवेन से एक ऑटोमोबाइलिस्ट जब शुल वेदम बॉस ब्रुक के सामने पहुंचा पारामारी बो के तरफ जाने के खातिर
तो वो ऑटो इतना जोर से चलाया कि न संभाल सका, कलैया खाते वो उलट गया चारों पहिया ऊपर। उसमें चार जना मौजूद थे, तीन जना जरा से चोटा गए, उनको अस्पताल जाना पड़ा पट्टी बनवाने के लिए। उसमें भी एक मिलिटेर मौजूद था, तो खबर के सिपाहियों ने ये मिलिटेर के पिस्तौल बस लाख में लेकर उनको मिलिटेर पुलिस के हवाले कर दिए हैं। ऑटो ऑफ द कॉप बे बोशब्रख द्री इंसेंडन खवंत। जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्रात पे दो ऑटोस आपस में धक्का मारे हैं, तो दोनों ऑटोस तो बस खादत हो गया, ब्लिक्स खादत हुआ है। सख करते हैं कि एक जना लाल चिराग पर चलाया हुआ होगा। लाम्बो फिसरे के मिनिस्टर प्रहलाद सिउदीन आखिर 18 क्वालिटेट्स मैनेजर को सर्टिफिकेटन दिया है, जो लोग क्वालिटेट के मुताबिक फिश और खरनाला यानी कि मछली और झींगा एक्सपोर्टर करते हैं, जो इंटरनेशनल क्वालिटेट के मुताबिक होता है। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। बेल्जियम के शहर आंटवर्पन के नजदीक शहर बेफरन के एक पार्क में एक मर्दाना के लाश पाए, तो खबर करते हैं कि अंधसुख से पता चला कि वो होमो है। सिपाही एक सक्की मर्दाना गिरफ्तार किया, जिसके जरिए और बातें पता चला कि वह एन फेट 41 बरस के होमोफिया डेटिंग ऐप के जरिए उसने उस जिस दर पर बुलाए थे वहां पर पहुंचा, तो वहां पर 3 नौजवान लंदन उनको इंतजार किया, तो उनका सब कुछ लूट करके छुरी से भोंक करके मारे हुए हैं। बेलख फरमोट ओम खार्थेट। कई खबरों में आपको बताया गया कि अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में चार गोरा सिपाही एक काला अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड को जब गिरफ्तार करने लगे, तो कोई ऐसा बात हुआ कि उनको जमीन पर पटक करके एक सिपाही इसका नाम डेरेक चौहान, उसने उनका गटे पे अपना गोर के गांठी दबो रखा था। वो छटपटा रहा था कि उनको उनका सांस बंद हो रहा है, लेकिन इन्हें छोड़ा, जब छोड़ा तो उनका सांस बंद हो चुका था, उनका मौत हो गया। आज डेरेक चौहान के मुकदमा की जाती है। सोच रहे हैं कि उनका 2 लाख के मुकदमा की जाएगी। हजारों काला अमेरिकन रास्ता पे निकल पड़े हैं और चिल्लाहट मचा रहे हैं कि उनको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिएगा। द्री पुलिस अखंडन यानी 3 पुलिस अखंडन के मुकदमा उस ऑफिसर्स की जाएगी, तो उन ये तीनों को मुकदमा की जाएगी। मेक द प्लिक्ट हेट मसाल प्रोटेस्ट फॉर प्रोसेस फ्लॉयड। येमन के फ्लुक्तलिंग कैंप में आग लगाता तो खबर है 8 जना व लहाकार आग में वफात हो गए हैं। 870 जना घायल हो गए हैं, ज्यादा लोग के हालात बहुत बुरा है। इक्वाटोरियल गिनी के कुछ प्लास बाता के लेखर बासस के डायनामाइट अफसलाख में तो आगे लग जाने से 4 दफा जबरदस्त धमाका हुआ। 10 यानी 3 तालन के मौत हो गया, 7 यानी हमदर्दन घायल हो गए हैं। अब ये खबर किया है प्रेसिडेंट ओबियांग। इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और दियाना जिनका कब कहीं मौत हो गई है, इनका बेटा प्रिंस हैरी शादी किया है मेगन मर्कल के साथ। तो जब से मेगन मर्कल ये कोनिंग्स हाउस में आई है, तो ये कोनिंग्स है जो कोनिंगेन है एलिजाबेथ, ये लोग कभी ये लड़की को स्वीकार नहीं किए हैं, प्रिंसेस के दर्जा नहीं दिए हैं। तो खबर है कि जब उनका पेट में पहला बच्चा जब पलने लगा, तब से इनको साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनको देख के बहुत जलन करते हैं। उनका बेटा पैदा हुआ है तो बेटा के प्रिंस के टाइटल नहीं दिया गया है। अब ये दूसरा लड़का के माँ बनने वाली है, एक बेटी पल रही उनके पेट में, तो अब जलन इतना दूर चला गया कि ये लड़की घबरा करके आत्महत्या भी करना
चाहा। तो गुस्सा गुस्से में दो पर्सनल लेदन भी छोड़कर चले गए हैं। तो अब कोनिगन एलिजाबेथ बोले कि ये लड़की के कारण दोनों जना चले गए हैं। तो अब ये इतना घबराने लगा जब ये बात पहरे फैला, तो ओपरा विनफ्री जो टेलीविजन प्रोग्राम पेश करती है वो फौरन उनको इंटरव्यू लेने लगा। इंटरव्यू में ये लड़की ने बोले कि ये कॉनिंग्स हाउस में तो रासिस्मा है, यानी कि जात पात के बहुत दूर तक जलन करते हैं, डरते हैं कि उनका लड़का कहीं करिया ना हो जाए। अब जब उनको बेटी पैदा हो रही है तो अब वो जानता है कि उनको प्रिंसेस के टिटल ना मिलेगा। मालूम हो कि ये झगड़ा फसाद इतना दूर तक चला गया है कि अब डरते हैं कुछ ना कुछ हो न जाए, जिस तरह से दियाना के साथ हुई है। लेकिन फानत ब्रिज कोनस हाउस विल द फोरकोम दत आरखी है सोन फ्रॉम प्रिंस हारी एंड मेगन मैकल द टिटल प्रिंस जौदराह ऑन दत बजोर्फ द्वार हु डोंकर सेन हैज क्लियर जौजेन। अब नीदरलैंड की खबरें सुनिए। अलखमेन दखब्लात में खबर है कि पश्चिमतन और खनिसांसी एनएफ का अंदर सूख करके बताए हैं कि हर बरस नीदरलैंड में 20 जना के कांकर बीमारी हो जाती है, पाया जाती है कि न जाने कौन कौन किस्म के कंकर बीमारी है। इस वक्त हम दर्तक दर्जन 130,000 जना के कांकर बीमारी नीदरलैंड में है। By one of three mensen met a zeldzame form of kanker, zoals halwegkanker, vastgesteld. In Nederland zijn 130,000 patiënten met halwegkanker. Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid betaalt dat zwemveiligheid zwemles is. बहुत लोगों ने गलतफहमी में कहते हैं कि स्विम लेस के बदले में स्विम स्पॉट कहते हैं, बोले स्विम स्पॉट वो नहीं है, वो स्विम लेस है। कैबिनेट फैसला किया है कि स्विम लेस शुरू किया जाएगा देने के लिए महीना मार्च के 15 तारीख से। इस वक्त 500,000 लड़कन कैबिनेट के इजाजत के इंतजार में हैं। कोरोना वायरस के कारण नीदरलैंड्स को राय दिया गया है कि अप्रैल के 15 तारीख तक परदेश न जाएं तो और बेहतर है। परदेश में बहुत कोरोना वायरस छूत की बीमारी फैली है, ये लोग भी बीमार हो सकते हैं। कोरोना वायरस के कारण नीदरलैंड्स को राय दिया गया है कि अप्रैल के 15 तारीख तक परदेश न जाएं तो ये लोग खातिर और बेहतर है। परदेश में बहुत कोरोना वायरस छूत की बीमारी फैली है, ये लोग भी बीमार हो सकते हैं। वैसे जो कोरोना मातृखलन नीदरलैंड के अंदर में दिया गया है मार्च 31 तारीख से पहले उसको जरा सा ढीला कर दिया जाएगा। अब आस्ते आस्ते नीदरलैंड में मौसम बहुत बढ़िया होते जा रहा है। का एनएमई खबर किया है कि आज के टेम्परेचर है 18 सेल्सियस और आज और बिहान भी इधर उधर धूप निकलेगा लेकिन बारिश न होगा। अब मैं एक लतीफा सुना कर ये खबरें खत्म करूंगा। और आज का लतीफा इस तरह से, एक भोला भाली लड़की डॉक्टर के पास गयल। डॉक्टर बोले के उ कमरा में जा, कपड़ा उतार कर लेट जा, हम तो के अंदर सुख करब। तो लड़किया बोले ना ना डॉक्टर, हम ऐसे ना करब, ऐसे ही कर ले रे तबे तो प्रॉब्लम शुरू भैले। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।